हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी थी कछुए और खरगोश की, और मुझे ना बचपन में बहुत अजीब सी लगती थी ये क्या कहानी, हाउ कैन द टॉर्टोइज डिफीट द रैबिट। पर जब मैंने सीए करी मुझे रियलाइज हुआ ये कहानी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बनी। बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनमें बहुत टैलेंट होता है, बहुत नॉलेज होती है, लेकिन वो कन्फ्यूज रहते हैं लाइक द रैबिट। कभी इधर भुदकते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी सो जाते हैं। पर वो जो कछुए वाला बच्चा है ना, धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है एंड वो जीत जाता है, क्योंकि वो डेडिकेटेड था और फोकस्ड था। तो आज हम ऐसे ही एक सीए वॉरियर से मिलने जा रहे हैं जिसने लाइक द टॉर्टोइज अपने गोल को हासिल करा, मंजिल को हासिल करा, बिकॉज ही वॉज फोकस्ड एंड डेडिकेटेड। सो ऑल ऑफ यू वेलकम निखिल जैन। यस सर। हाय निखिल, Congratulations on AIR 43. Thank you so much, sir. तो आज हम निखिल के साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं निखिल से कि इसने ये कैसे किया। So Nikhil, yes sir. The nation wants to know who is Nikhil Jain. कौन है निखिल जैन? Yes sir. So अभी तो मैं AIR 43 हूँ, CA Intermediate का। अरे वाह। Yes sir. और आगे जाके बस CA लगाना नाम के आगे। Awesome. तो वो एक आइडेंटिटी बन जाता है हम सबका, है ना? Yes sir, definitely. Chartered accountant. Very nice. फैमिली में कौन कौन है एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। सर, फैमिली में भैया हैं और मॉम है जो दोनों बिजनेस संभालते हैं। भैया का डांस स्कूल है एंड मॉम भी उनको सपोर्ट करते हैं उसमें। वाओ। यस सर। मतलब फैमिली इज रनिंग अ डांस स्कूल और आपने सीए करने की सोची? यस सर। ये कब सोचा? सर, ये तो मैंने लाइक 12th के ड्यूरिंग ही सोचा। पहले कॉमर्स किया क्योंकि भैया जब कॉमर्स पढ़ते थे तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया कॉमर्स सब्जेक्ट में, तो 12th में फिर कॉमर्स ले लिया। फिर बेस्ट कोर्स क्या है सीए के सब्जेक्ट्स वगैरह देखे तो, और सीए सबसे रेप्यूटेटेड कोर्स है तो इसलिए फिर सीए चूज किया। सर, सच से बता दे, सीए करने की क्यों सोची? व्हाई व्हाई डिड यू वांट टू डू सीए? सर, पहले तो ऑब्वियसली पैसा। नहीं, जितने भी सीएस देखें, अगर पैसा तो सबके पास है ही, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है सीए का, और साथ में नॉलेज जो आता है, मेरे को बिजनेस की तरफ इंक्लिनेशन है तो इसीलिए फिर सीए किया। प्लस आई ऑलवेज से यू नो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, yes, obviously money is what everybody needs to earn, but respect bhi milta hai. Definitely, sir. And of course, we contribute towards the economy, we contribute towards society, because hum sabke accounting, taxation, statutory audits vagera, the government has given us the responsibility. Yes, sir. So, chalo, we've understood that you've joined CA, and of course, I'm sure, do you think after reaching this course, ye jo AIR aa gaya, obviously hard work laga hoga, to is it worth it? Is it, क्या आपको लगा कि आपका डिसीजन अच्छा था, ठीक था? डेफिनेटली सर, लाइक जो AIR आया तो दो दिन तो कॉल में ही चले गए। फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, जिनसे बहुत सारे से बात नहीं हुई थी वो भी कॉल करके बोल रहे हैं। रिकॉग्निशन मिल गया बहुत, तो वो बहुत अच्छा लगा। सो मतलब हार्डवर्क का फल तो मिलता है। डेफिनेटली सर। चलो लेट अस नाउ सी एवरीबॉडी, एज अ टीचर मैं बच्चों को बहुत बताता हूँ, शायद तेरे को भी सिखाया। यस सर। बट जब बच्चे ये देखते हैं कि निखिल ने अचीव कर लिया, दे वुड वांट टू नो व्हाट इज इट दैट यू डिड। यस सर। तो आई वुड वांट यू टू टेल अस, यू चोज अनअकैडमी। यस सर। है ना, व्हाई? सर, अनअकैडमी ऑब्वियसली पहले फाउंडेशन अनअकैडमी से मैंने किया था, तो उसके बाद जब टीचर्स वगैरह देखे तो इतने ऑसम टीचर्स थे और अफोर्डेबल प्राइसेस के साथ थे, तो उसके लिए इतने कॉम्प्रिहेंसिवली और इतना डिटेल वगैरह में पढ़ाते थे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दिस इज वन, आई थिंक वेरी वेल सेड, क्योंकि आई थिंक एट अनअकैडमी दिस हैज बीन, सबसे जरूरी बात यही है कि टू रीच आउट टू एवरी स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री एट अफोर्डेबल प्राइसेज एंड ऑफकोर्स गुड क्वालिटी कंटेंट। हार्डवर्क पूरा करा हमने। yes, हाँ, बिल्कुल। एंड ऑनलाइन के साथ लाइक वो ऑफलाइन वाली फील आती थी लाइव क्लास के साथ, तो टीचर्स इतना एनर्जी के साथ पढ़ाते थे कि वो ऑफलाइन वाली पूरी फील आती थी। चलो लेट अस नाउ गो थ्रू योर प्रोसेस। तो आपने सारे सब्जेक्ट्स अनअकैडमी से करे? यस सर। एंड इफ यू कैन जस्ट टेल अस, बच्चे हमेशा जानना चाहते हैं कि सर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं आप बताते हो, तो निखिल एक बार अच्छी तरह से बता दे। सो मेरे अकाउंट्स में 90 आए, लॉ में 64, कॉस्टिंग में 97, टैक्सेशन में 73, देन एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट 73, देन EIS सिस्टम 53 एंड FM इको 75, और टोटल वाज 601। One round of applause. Congratulations and very, very, very well done. Now, preparation of CA एक अलग लेवल का होता है। बच्चे ग्रेजुएशन करके आए या फाउंडेशन करके आए ना, एक आदत सी पड़ी होती है कि चलो ये तो हो जाएगा, बट सडनली जब इंटर में आते हैं तो एक लेवल बढ़ जाता है।
सो हाउ डिड यू कोप विद दैट? सडनली जब लेवल बढ़ा, सो क्या हुआ, डर लगा या ये लगा कि नहीं कर सकता हूँ या ये लगा कि अब, मतलब क्या, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? सो फाउंडेशन में तो उतना प्रेशर था नहीं, तो वो फिर गैप भी हो गया था एग्जाम के बाद 15-20 डेज का। फिर जब क्लासेस स्टार्ट हुए तो वो 6 आवर के क्लासेस पहले बहुत मुश्किल से होते थे। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, होमवर्क, बहुत लाइक पहले स्टार्टिंग में तो बहुत हेक्टिक था। फिर जब फिर धीरे धीरे वो 15-20 डेज में जो आदत लग गई, फिर जब सेकेंड 2 ग्रुप देने का सोचा तो फिर तो 12-12, 13-13 घंटे के क्लासेस होते थे। मैंने लाइक 2-3 हफ्ते मैंने 12-12 घंटे के क्लासेस वगैरह किए सिर्फ। फिर उसके बाद होमवर्क, तो वो एक बीच के लिए तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, बट डेफिनेटली वो CA कोर्स है, वैसा है, हार्डवर्क मांगता ही है। सो बट हाउ डिड यू, कई बच्चे होते हैं बैकलॉग शुरू हो जाता है, कई लोगों को मोटिवेशन का जरूरत पड़ता है, कई लोगों को, कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये एक बार में तो होएगी नहीं। सो आई वुड वॉन्ट यू टू टॉक टू देम एंड मोटिवेट देम दैट यू गॉन थ्रू इट। एंड आई ऑलवेज से कि यू नो इट इज द टफ पीपल हु बिकम टफर ड्यूरिंग दिस कोर्स। सो मेंटली आई एम श्योर यू विल रियलाइज कि बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस स्ट्रांग हो गया थोड़ा। डेफिनेटली। तो उनको एक बार ये बताओ कि हाउ डिड यू मैनेज कि डिसिप्लिन 13-14 घंटे की क्लासेस रोज कैसे लगाई? सर डेफिनेटली वो गोल था माइंड में कि कुछ करना है, लाइक ऑब्वियस बड़ा मार्क, अच्छा मार्क्स लाना है, AIR अगर हो सके तो AIR लाना है, तो उसके लिए गोल था। तो वो गोल अचीव करने के लिए आई न्यू कि हार्डवर्क जरूरी है, तो वही उसीलिए उसी गोल के साथ में फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था। वेरी नाइस। और वो लास्ट तक मैंने कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई किया, उसीलिए आज मैं लाइक आई एम गोइंग टू, मैं आपकी 2 बातें बताऊंगा। यस सर। आई थिंक टीचर से सुनने से ज्यादा निखिल से सुनो, एक सिंगल माइंडेड फोकस ऑन द गोल एंड डिसिप्लिन, एंड आई थिंक सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं से आया ही होगा, बहुत कॉन्फिडेंस ही है। बिल्कुल। नाउ लेट अस गो थ्रू योर प्रिपरेशन डिटेल्ड, कितनी देर में करते हैं, 2 ग्रुप को देने में कितना टाइम लगता है, कितने सब्जेक्ट्स को कैसे किस सीक्वेंस में करा, तो एक बार जस्ट थोड़ा सा भाई 2 ग्रुप को देने के लिए कितना टाइम चाहिए, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लाइक क्लासेस वगैरह मेरे फेब मिड तक खत्म हो गए थे, तो आई गॉट 2.5 मंथ फॉर सेल्फ स्टडी, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे मेरे ख्याल से, क्योंकि जो मेन पढ़ाई हुई क्लासेस में आपने कम्प्रिहेंसिवली कवर तो कर लिया साथ में, बट सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 45-50 डेज मैंने लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए, जो कि मोस्ट इफेक्टिव थे, और मैंने ऐसे नहीं किया कि फटाफट कर दिया, वो जो सेल्फ स्टडी किया मैंने वो बहुत डिटेल में किया, ताकि वो जब नेक्स्ट रिविजन करूँ या फिर जब एग्जाम में भी दूँ तो वो बहुत अच्छे से निकल के आए। तो सो बेसिकली आप कह रहे हो कि आपने दोनों ग्रुप की प्रिपरेशन पेपर से 2.5 महीने पहले तक कॉम्प्रिहेंसिव खत्म कर लिया एक बार। यस सर। और 2.5 महीने सेल्फ स्टडी करी। यस सर। ओके गुड। नाउ क्या टेस्ट सीरीज भी दी, क्या रिवीजन में कितनी बार रिवाइज करा, चलो पहले एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, कितनी बार रिवीजन की जरूरत पड़ी आप? सर थ्योरी सब्जेक्ट में मैंने 2 बार रिवाइज किया था, लाइक 2 बार अच्छे से किया था, और एक एक बार थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देखा था। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 1 बार बहुत अच्छे से किया था, और सेकंड बार थोड़ा ऊपर ऊपर से जो मेन क्वेश्चंस थे जो मैंने मार्क करके रखे थे वो रिपेयर किया था सर। ओके। एंड व्हेन आई से टेस्ट सीरीज, यस सर, क्या आपने टेस्ट सीरीज कोई दी थी? सर ऐसे लाइक बहुत टाइम बाउंड मैनर में तो नहीं दे पाया था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट डेफिनेटली मैंने वो थोड़ा सा लगा के स्टॉपेज लगा के ट्राई किया था कि लाइक एक क्वेश्चन भी अगर कर रहा हूँ तो टाइमर लगा के कर रहा हूँ, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 15-18 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, तो वैसे करके मैंने डेफिनेटली किया था। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि मैं क्लास में ये बहुत बोलता हूँ कि 3 चीज़ें हैं CA को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी जब हम क्लास लगा रहे हैं तो ये मत सोचें कि ख़त्म कैसे करेंगे, हम उस क्लास को अच्छी तरह समझें, वो मेरा फेवरेट वर्ड है ना, लिटिल बाय लिटिल बाय लिटिल आराम से उसको समझो, एब्जॉर्ब करो, देन ऑफ कोर्स कम्स योर प्रेजेंटेशन। यस सर। प्रेजेंट कैसे करना है, थ्योरी में 4 नंबर के पेपर क्वेश्चन को कैसे करना है, 18 नंबर के, 14 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करना है, एंड लास्ट में विच यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट इज द स्पीड, क्या आप 10 मार्क का क्वेश्चन 18 मिनट में कर सकते हैं, दैट प्रैक्टिस यू सेड यू डिड, वेरी वेल डन। एंड बच्चे आर ऑल्सो कन्फ्यूज, कई पूछते हैं सर मैं कितने सब्जेक्ट दिन में इकट्ठे चलाऊं, सो वॉट इज दैट यू डिड? सर अगर मैं बोलना चाहूँगा कि वो सबके ऊपर डिपेंड करता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लाइक मैंने स्टार्ट किया था सिंगल सब्जेक्ट से, बट वो फिर आगे जाते जाते 2-3 सब्जेक्ट हो गया था जो कि आई वॉज एबल टू वर्कआउट, तो वो सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। कोई मेरे फ्रेंड्स हैं जो दिन में 3-4 सब्जेक्ट ले रहे थे, उनका भी अच्छे मार्क्स हैं, तो वो डिपेंड करेगा सर, आपको फाइंड करना पड़ेगा खुद का। कई बच्चे ये भी पूछते हैं सर सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें, उसका क्या रिप्लाई दोगे आप?
उसका ऐसा है कि वो भी डिपेंड करेगा. लाइक मेरा एक फ्रेंड था, वो सुबह पढ़ता था, वो 3 बजे उठ के पढ़ता था और मैं 6 बजे सोने जाता था. तो वो सुबह उठ के और मैं सोने से पहले हम दोनों चैट करते थे. सो आई सजेस्ट बच्चों चेंज मत करो कुछ. ही फॉलोड हिज आर्ट, यू फॉलो योर्स. ही फॉलोड हिज मेथड, यू फॉलो योर्स. सिंपल सी बात है, कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छी तरह करो, रिवाइज करो और सारी प्रैक्टिस करो, प्रेजेंटेशन करो. एंड देन ऑफकोर्स कीप योर फोकस ऑन द गोल एंड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट. नाउ निखिल, वॉट इज योर एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर November 23 एंड May 24? सो फर्स्ट एडवाइस यही रहेगा कि अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो और एटलीस्ट कीप 2 मंथ्स इन हैंड. और जब फर्स्ट रिविजन कर रहे हो, मैंने थोड़ा सा एक बार गलती किया था लॉ में कि थोड़ा ऊपर ऊपर से देख के चला गया था, बट फिर मैं सेकेंड उस बाद में दिक्कत आया लॉ में. तो यही बोलूँगा कि जब फर्स्ट रिविजन कर रहे हो तो अच्छे से करो, जितना थोड़ा टाइम लगेगा बट डिटेल में करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम बहुत बार ऐसे ट्राई करते हैं कि शॉर्टकट लगा लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लेंगे. टैक्स में भी हुआ था आई थिंक, देन यू एंटर इनटू डिटेल्ड अगेन विद मी. यस सर. एंड वेरी गुड. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन लिसनिंग टू अस एंड ऑल द बेस्ट टू यू निखिल. कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन योरसेल्फ प्राउड एंड योर पेरेंट्स प्राउड. एंड होपफुली फाइनल में भी हम रैंक लेकर आएंगे. सिंगल डिजिटर. सिंगल डिजिटर. यस सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर.